नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टेडिया एक्यूकेडमी स्वागत है। इस वक्त की महत्वपूर्ण जरूरी सूचना राजस्थान के तमाम विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों, राजस्थान में नई भर्तियां 2024 को लेकर बड़ी अपडेट है। 1646 पद रिक्त पड़े हुए हैं और दोस्तों इनकी वैकेंसियां कब तक आएगी और क्या अपडेट है, अधिकारियों का क्या कहना है, पूरी जानकारी बताऊंगा। पद का नाम है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, क्लर्क, लैब असिस्टेंट और टेक्निकल के कुछ पद है। उसके अलावा यहाँ पर प्रोफेसर के पद है और कुछ शिक्षकों के पद है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा अंत तक देखना पड़ेगा आप लोगों को, तब जाकर के सारी जानकारी समझ में आएगी। दोस्तों, वैकेंसी परंतु बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो है नेक प्लस की तैयारी करवाई जा रही है, मतलब नेक प्लस में मान्यता दिलाने के लिए तैयारी की जा रही है। इसलिए ये पद वगैरह सब कुछ भरना बहुत जरूरी है, पूरी जानकारी बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या है अपडेट। तो दोस्तों, ये रही पूरी अपडेट आप लोगों के लिए। यहां पर आरयू यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात है, ये आरयू का नेक ए प्लस प्लस का टारगेट, शिक्षकों के 507 और प्रोफेसर के 58 पद रिक्त है, टेक्निकल स्टाफ ही नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार की ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो नेक प्लस की तैयारी कर ली है। इस बार नेक ए प्लस प्लस का टारगेट रखा है। वर्ष 2016 से 2021 तक नेक की एक ग्रेडिंग थी, अब इसको ए प्लस प्लस करने का टारगेट रखा है यहाँ पर। इसलिए दोस्तों इन भर्तियों को भरने पर फोकस रहेगा। ये सारी जानकारी आप लोग देख सकते हो, महिला कुलपति ने कमाल संभाली, नेक भर्ती पर फोकस। तो यहाँ पर नेक प्लस की जो है भर्ती पर फोकस है। तो ये कैसे मिलेगी, अब ये यदि कमियां रहेगी कॉलेज वगैरह में स्टाफ में तो फिर मिलेगी नहीं, इसलिए इन कमियों को भरना बहुत जरूरी। पहले मैं आपको इनकी जो जानकारी है ऑफिशियल इन्होंने बात कही है वो बताता हूँ, फिर पदों का संख्या बताऊंगा किस पद में कितने खाली है। तो यहाँ पर अधिकारी है प्रोफेसर जो है रश्मि जैन। तो इन्होंने कहा है कि वर्ष 2024 में नेक की मान्यता की तैयारी चल रही है, जो भी कमियां हैं उन्हें पूरी किया जा रहा है। प्रोफेसर रश्मि जैन, कोऑर्डिनेटर इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, तो इन्होंने ये जानकारी दी है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि जो भी कमियां वगैरह है उन्हें पूरी करना बहुत जरूरी है, यानी कि इन भर्तियों को पूरी की जाएगी, तो इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा, चलेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन से पद क्या खाली है। सबसे पहले देखते हैं ये 10 कमियां हैं, ये 10 कमियां दूर करनी पड़ेगी तभी जा करके ये आ पाएंगे। जैसे शिक्षकों के स्वीकृत 949 पद, कितने 949 पद रिक्त टोटल है, उनमें से कितने पद रिक्त चल रहे हैं 507, यानी कि 50% से भी ज्यादा पद रिक्त है, पहले ये भरा जाएंगे। उसके अलावा प्रोफेसर के 61 पदों में से 58 पद खाली है, मात्र और मात्र 3 पद भरे हुए हैं भाई। तो यदि 3 पद ही भरे रहेंगे और 58 पद खाली रहेंगे तो मिलेगी नहीं मान्यता, इसलिए इनको भरना बहुत जरूरी है। तो ये हो गए कुछ पद। उसके अलावा बात करें रिसर्च एसोसिएट के 34 पद है, साइंटिफिक ऑफिसर के 2 पद है, उसी प्रकार पुस्तकालय अध्यक्ष के 12 पद रिक्त पड़े हुए हैं और किताबों की कमी है। बात करें आगे यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा आप लोग देखो यहाँ पर ये रही नॉन टीचिंग स्टाफ में, नॉन टीचिंग स्टाफ है कुल मिलाकर के 1780 पद है, कितने 1780 पद, जिनमें से 1033 पद भर रिक्त है, यानी कि 50% से ज़्यादा पद पूरा का पूरा स्टाफ खाली पड़ा है समझो। तो 1033 पद रिक्त है, किस किस के, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के, क्लर्क यानी कि बाबू के और लैब असिस्टेंट के और टेक्निकल स्टाफ के, यानी कि इन पदों पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करें, क्लर्क की बात करें, लैब असिस्टेंट की बात करें यानी कि लैब असिस्टेंट बहुत प्रयोगशाला सहायक, टेक्निकल स्टाफ, इन सारे पदों पे वैकेंसी आने वाली। और इन पदों पे जो वैकेंसी आएगी आप देखो, या तो कुछ आईटीआई की आएगी या 12वीं पास आएगी या ग्रेजुएशन आएगी, इनमें आपसे और कुछ नहीं मांगी। साथ में शिक्षकों की भर्ती आएगी 507 पदों पर और 58 पदों पे प्रोफेसर के पदों पे भर्ती, इस प्रकार से ये कॉलेज की तरफ से भर्ती आयोजित करवाई जाएगी। तो दोस्तों ये समझ लीजिए आप लोगों के पास एक शानदार मौका है। दोस्तों जब छोटी मोटी कॉलेजों वगैरह में भर्ती आती है तो वहाँ ज़्यादा जो है लोग फॉर्म भी नहीं भरते हैं, और आपको इनका सिलेबस वगैरह इधर उधर से करके इनको अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ताकि जब वैकेंसी आएगी तो और लोग तैयारी नहीं करेंगे, आप लोग अभी से तैयारी करोगे तो आपको सफलता मिलेगी और भर्ती बहुत जल्दी, परीक्षा वगैरह बहुत जल्दी करवाई जाएगी, क्योंकि इनको बहुत जल्दी ये पद भरने हैं, इनको खाली तो रखना नहीं है 2025-26 तक। यदि नेक
A++ की ग्रेडिंग चाहिए इनको, तो आपको पता है कि जल्दी काम करना पड़ेगा और जल्दी काम करोगे तभी काम होगा A++ का। तो दोस्तों इसलिए ये सारे के सारे पद जल्दी भरे जाएंगे। आप इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दो दोस्तों, फटाफट से शेयर कर दो, इसी प्रकार के रोजाना और भी आपको जानकारी चाहिए। तो मैं मिलता हूं नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।